करता है, चाहे वो अपने वक्त का अल्लामा हो, नबी का खुतबा पढ़ता है, अपने वक्त का पहामा हो लेकिन नबी का खुतबा पढ़ता है, अपने वक्त का मुफ्ती है लेकिन नबी का खुतबा पढ़ता है, अपने वक्त का पीर है लेकिन नबी का खुतबा पढ़ता है, अपने वक्त का बहुत बड़ा स्कॉलर है लेकिन नबी का खुतबा पढ़ता है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर मौलाना नबी की तारीफ करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अगर मुफ्ती नबी की तारीफ करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, अगर एक पीर नबी की तारीफ करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, एक वली नबी की तारीफ करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, एक गौस नबी की तारीफ करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ये जरूर ताज्जुब की बात है, ये जरूर हैरानी की बात है कि दाढ़ी वाला नबी की तारीफ कर ही रहा है, टोपी वाला नबी की तारीफ कर ही रहा है, कुर्ता पजामा वाला नबी की तारीफ कर ही रहा है, लेकिन ये जरूर ताज्जुब की बात है कि दाढ़ी वाला कर ही रहा है, इधर वाला भी नबी की तारीफ कर रहा है। और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। इधर वाला कहता है नबी की शान में कि कर कोमल चाही हाथ उठाई, बोलो ना सुभान अल्लाह, कर कोमल चाही हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। इधर वाला कहता है कि नबी का बचपना है, आका अलैहिस्सलाम आमना की गोद में है, और आमना की गोद में रहकर उंगली का जिधर जिधर इशारा करते थे आकाश का चंद्रमा उधर ही हो जाता था। ये तो छोटे वाले ने कहा, दुर्गा प्रसाद ने कहा, लेकिन उससे बड़े वाले ने कहा कि जब संग्राम का दीन होई बिना मोहम्मद नैया पार न होई। सिदास कहते हैं कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, उस वक्त कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, सब परेशानी में होंगे, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम कहेंगे कि यहाँ पे तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, इज़हबु इला गैरी। फिर जो है हजरत शुएब के पास जाएंगे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि हमारा बेड़ा कर दीजिए, हम परेशानी में हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबु इला गैरी, और के पास जाओ। लोग हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे, यके बादी गिरे हजरत इस्माइल के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम परेशानी में हैं, हम मुसीबत में हैं, हमारा बेड़ा पार लगा दीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि तुम्हारा बेड़ा यहाँ नहीं पार होगा, बल्कि यहाँ से और दूसरी जगह पे जाओ। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुलसीदास ये कहना चाहते हैं कि जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, उस वक्त अगर तुम्हारा बेड़ा कोई पार कर सकता है तो वो साथ कोई और नहीं है बल्कि मोहम्मद अरबी है, उसी का माला जो को तुम्हारा बेड़ा यहां भी पार हो जाएगा, वहां भी हो जाएगा। इसलिए मोहम्मद अरबी का माला जब बेड़ा पार तुम्हारा हर जगह लग जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि ये छोटा
से बड़े वाले ने क्या कहा, दो चार मिनट आप सुन ले सिर्फ। उससे बड़े वाले ने जिसका नाम कबीरदास है, उसका नाम कबीरदास है, वो कहते हैं कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाए। ये बड़े भाई जमजम शाही का हुक्म हुआ, इसलिए मैं आ गया। मैं बड़ों का बहुत इहतराम करता हूँ, अल्लाह का करम है, मेरी तारीफ शायद बाहर खाली रहती है। आप थोड़ा जो है जिंदा होकर के सुने और बोले मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। कबीर दास कहते हैं कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाए, तो मिला के पचगुन कर लो, बीस का भाग लगाए, बीस का भाग लगाए, बाकी बचे को नौतन कर लो, तो उसमें फिर और मिलाए। कहत कबीर सुनो भाई, नाम मोहम्मद आए, नाम मोहम्मद आए। कबीरदास आपने क्या कहा, क्या अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाई, दो मिला के पचपन कर लो, बीस का भाग लगाई, बाकी बचे को नौतन कर लो, उसमें दो मिला दो। कहत कबीर सुनो भाई, नामे मोहम्मद आई। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। जब कबीर दास ने ये पढ़ा तो उसके मानने वालों ने पूछा कि ए कबीर दास, इस शेर का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? कबीर दास कहते हैं कि अगर इसका मतलब सुनना चाहते हो तो सुनो। इसका मतलब यह है कि जमीन का अदद निकालो, आसमान का अदद निकालो, चांदो सूरज का अदद निकालो, सजरो हजर का अदद निकालो, फरगो समर का अदद निकालो, जमीनो जमा का अदद निकालो, मकीनो मका का अदद निकालो, चुनीनो चुना का अदद निकालो, अल मुख्तसर सारी कायनात की का अदद निकालो, राम का अदद निकालो, लक्ष्मण का अदद निकालो, तस्लीम का अदद निकालो, मोहम्मद अरबी का अदद निकालो, चर्च का अदद निकालो, मस्जिद का अदद निकालो, गुरुद्वारे का अदद निकालो, गिरजाघर का अदद निकालो, सारी चीजों का अदद निकालो, और अदद निकालने के बाद तरीका मस्कूर पर कभी जोड़ करो, कभी घटाओ करो, कभी गुणा करो, तरीका मस्कूर पर जोड़ घटाओ गुना करते रहो, कसम खुदा की किसी और के नाम का अदब नहीं बल्कि बानवे मोहम्मद का अदब निकले। जमीन को का अदद निकालेंगे तो 92 आएगा, घर का अदद निकालेंगे तो 92 आएगा, मस्जिद का अदद निकालेंगे तो 92 आएगा, मंदिर का अदद निकालेंगे तो 92 आएगा, गिरजा घर का अदद निकालेंगे तो 92 आएगा। और 92 किसका अदद है जानते हैं? 786 92 घर में नहीं लिखते, लिखते हैं ना, तो 92 किसका अदद है जानते हैं? मोहम्मद अरबी का अदद जो है वो 92 है, इसीलिए हम लोग बरकतन जो है 786 के नीचे 92 लिखे। तो अगर उसका अदद निकालेंगे, जैसे मोहम्मद का अदद कितना निकला? 92 निकला। तो अब जो है कबीर दास ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जितनी चीजें हैं अगर आप अदद निकालोगे और तरीका मस्कून पर कभी जोड़ घटा गुना करोगे तो किसका अदद निकलेगा? 92 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद निकलेगा।
काहे निकलेगा, इसी को आपको समझना है। क्योंकि मैं जो गुफ्तगू करता हूँ वो फेंक फाक वाली गुफ्तगू नहीं करता हूँ कि हम मस्जिद का अदद निकालेंगे तो 92 निकलेगा, राम का अदद निकालेंगे तो 92 निकलेगा। क्यों निकलेगा? अब एक बात आप सुनिए, डीएनए का मतलब समझते हैं, है ना? जैसे मिसाल के तौर पर हमारा खून किससे मिलेगा? बाप से मिलेगा, दादा से मिलेगा, परदादा से मिलेगा, लकड़दादा से मिलेगा, लेकिन हमारे ही खानदान वाले से मिलेगा ना, क्योंकि हम उसके खानदान से हैं, है ना? बात समझ में आ रही? किससे मिलेगा? दादा परदादा खानदान से। अब जो है अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमाता है कि हमने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया और उस नूर से सारी कायनात को बनाया, उस नूर से सारी कायनात को बनाया। सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी के नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अल मुख्तसर, चांदो, सूरज, जमीनों, जमा, मकीनों, मकाम, सब कुछ उसी से बनाया। किससे बनाया? नूरे मोहम्मदी से बनाया। तो बोलो, नूरे मोहम्मदी का जलवा हर शय में रहेगा, क्योंकि बना है उसी से सब, उससे रहेगा कि नहीं? और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, बल्कि वेदों में भी आया है, यको विश्वस्य भुवनस्य राजा, यको एवं नमस्तुते विश्वविद्या, न तवावा न मन्नो दिव्यो न पृथ्वीयो न जातो जनिष्यति, यकम् ब्रह्म इदम् ज्योत्, ज्योत इदम् पृथ्वी प्रवेश, पृथ्वी इदम् स्वरूपम् प्रवेश, पश्चात् यदा मुहम्मदः। इसका मतलब ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज्योत से एक ज्योत प्रकट किया, फिर उस ज्योत से सारी कायनात को बनाया। ज्योत के माने रोशनी, और नूर के माने रोशनी, और साइंसदान भी यही कहते हैं कि द बिग बैंग इज हाउ एस्ट्रोनॉमर्स एक्सप्लेन द वे द यूनिवर्स बिगन, इट इज द आइडिया दैट द यूनिवर्स बिगन एट जस्ट ए सिंगल पॉइंट, देन एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेच्ड टू ग्रोथ इज लार्ज, इट इज द राइट लॉ। साइंसदान भी यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नुक्ता को पैदा किया और उस नुक्ते से निकला क्या फटने के बाद? रोशनी निकली, रोशनी निकली। और हदीसों में क्या है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुस्तफा के नूर को पैदा किया। तो अब पता क्या चला कि हर चीज में मुस्तफा का जलवा इसलिए है कि हर चीज नूरे मुस्तफा से बनी है। अभी तो शायद ने कहा है कि रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम को बनाया। चूंकि तफसीली गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है, वरना मैं बताता आप लोगों को, लेकिन एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि नूरे मुस्तफा को पैदा किया, वो नूर सबसे पहले किस में आया? इंसानों में, हजरत आदम में आया। मैं सजरा सुना देता हूं, इस सजरा सुनाने का 10-15 हजार लेता हूं। सजरा का मतलब नहीं समझे, मिसाल के तौर पर मैं संभाग के इसलिए बोलता हूं कि मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ, लेकिन चूंकि आप नहीं समझेंगे तो मेरे बोलने का मकसद क्या हुआ? सजरा का मतलब यह हुआ, वंशावली समझते होंगे हमारे बुजुर्ग हजरात, वंशावली समझते हैं कि नहीं है? जैसे हमारे दादा कौन है, हमारे परदादा कौन है, हमारे लकड़दादा कौन है। तो मैं
आदम अली इस्लाम से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक सदरा पढ़ूंगा, बोले सुभान अल्लाह। एक तो नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर के आदम अली इस्लाम तक, बोलो नई बात है कि नहीं? आपके मोहल्ले में किसी ने पढ़ा है? मैं पढ़ दूं? जब ये सजरा खत्म होता है ना, तो जहां मैं पढ़ता हूँ लोग इस्तकबाल करते हैं, आप इस्तकबाल करोगे? तो बोले मचल के सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। इस माशाल्लाह, आप हमारी उम्र के हैं, बहुत बहुत बड़ा आपने कलेजा किया, इतना बड़ा प्रोग्राम किया। लोग आज तो मुर्गा जमा करके मुसलमानी कर देते हैं, लेकिन आपने मोहफिले मिलादुन नबी का इस्तेमाल किया है। अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकतें अता फरमाए। मैं पढ़ता हूँ सजरा आपने, अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अली सलाम को पैदा किया, नूरे मुस्तफा को पैदा किया, वो नूर सबसे पहले आदम अली सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं केनान, केनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरते इदरीस अलैहि सलाम, हजरते इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरते नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हार, जुल्हार के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिद, आबिद के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं शाहरुख, शाहरुख के बेटे हैं नाखुर, नाखुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरते इब्राहिम खलील, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे हैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे हैं केदार, केदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलयसा, अलयसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नजार, नजार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं केनाना, केनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कुसई, और कुसई के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हाशिम, और हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्लाह, और ए मेरी मिल्लत के शहजादे झूम के बोलो अब्दुल्लाह के बेटे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद अब्दुल, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, और सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, और सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं सैयद मोइनुद्दीन हसन। तारीख पढ़ लो, जब तक जिंदगी रही तब तक हुकूमत
हुकूमत रही, जब तक सबूत रहा तब तक हुकूमत रही, जब तक कब्जा रहा तब तक हुकूमत रही। लेकिन तारीख हिंदुस्तान की तारीख अपने सीने में, हिंदुस्तान की तारीख अपनी कोख में एक ऐसा बादशाह भी रखती है जो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, ताकया में कयामत बादशाह रहेगा। और ए मेरी मिल्लत के शहजादे, वो बादशाह कोई और नहीं है बल्कि हमारे ख्वाजा गरीब नवाज है। तभी तो मैं कहा करता हूँ, जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, कि जमीन हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर राजा के जैसा को इराजा हो जाएंगे। लेकिन मैं इन्हीं लोगों की बातों से दिखाऊंगा और समझाऊंगा। अरे ये तो 10-20 हजार साल, 4000 साल पहले की बात आप सुन रहे थे। आज के डेट में प्रमोद कृष्णम का नाम सुना है ना आप लोगों ने? YouTube में सर्च मारेंगे प्रमोद कृष्णम, वो मेरे नबी की शान में कहते हैं, प्रोफेट ऑफ इस्लाम, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन इज द पल्स इन माई हार्ट, and he is the light in my eyes. Pramod Krishnam कहते हैं, बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। Pramod Krishnam कहते हैं कि मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दिल की धड़कन है और मेरी आंखों की रोशनी है। मेरे दिल की धड़कन है और मेरी आंखों की रोशनी है। प्लीज ये भी कहा, ये भी कहा कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। वो सिर्फ जो शेर कहते हैं वो सुन लो कि मोहब्बत के बिना अपना गुजारा हो नहीं सकता, मोहब्बत के गुजारा हो नहीं सकता, नबी के बिन नजारों का नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। प्रमोद कृष्णम कहते हैं, वो कहते हैं क्या, कितनी बड़ी बात कहते हैं मुसलमानों, कि मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं, वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिता हमारा, पर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है।